झारखंड के युवाओं को नी शुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ने की दिशा में झारखंड सरकार ने पहल की है। केंद्र की कौशल विकास योजना की तर्ज पर राज्य के सभी प्रखंडों में बिरसा केंद्र खोले जाएंगे, जहां युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत पहले चरण में आज 80 बिरसा केंद्रों का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। इस योजना के शुरुआत के मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न केंद्रों पर प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को सरकार की तरफ से रोजगार प्रोत्साहन और परिवहन भत्ता की राशि ऑनलाइन सभी के खातों में ट्रांसफर कर दिया। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 1,049 लाभुकों के खाते में 13 लाख से अधिक की राशि भेजा। राज्य के युवाओं को ट्रेन करने के लिए पहले चरण में 80 प्रखंडों में इसकी शुरुआत हुई है और आने वाले समय में राज्य के सभी प्रखंडों में इस योजना के तहत बिरसा केंद्रों को संचालित किया जाएगा। शुभ महीना सावन का है और बहुत खुशी का दिन है कि राज्य सरकार ने जो प्रोत्साहन राशि जो हम जोते हुए उन्होंने कमेंट शुभारम्भ करने वाले हैं 1,000 रुपया युवाओं को 1,500 रुपया ज्योतियों को ये लोगों खाते में जाएगा। और मुख्यमंत्री साथी योजना आज लॉन्च हो रहा है, उसमें ऐसा योजना है उसमें हम लोग 80% राज्यभर में शुभारम्भ हो जाएगा। जब 80% जब प्रशिक्षण समाप्त होगा फिर हम लोग सेकेंड फेज शुरू करेंगे ना, 264% है राज्य में, सभी प्रखंडों में हम लोग प्रशिक्षण भी दिलाएंगे और सभी को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। 80% हाईटेक योजना है, ये बहुत युवा जो होते हैं सब खुशी है, सभी हुनरमंद होंगे और सरकार ने जो एक्ट बनाया है 75% उसको हम लोग 37 पे लागू कर रहे हैं, सब रोजगार से जोड़ रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।